जो लोग आज़ादी की बातें कर रहे हैं, आज़ादी मांग रहे हैं, उसको बीजेपी कैसे आज़ाद करवाए? अरे भैया, 1947 में देश आज़ाद हो चुका है, किस बात की आज़ादी चाहिए? अगर उनको आज़ादी चाहिए तो स्वतः आज़ादी ले लें, सल्फास की गोली खा लें। नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप पहुंच चुके हैं वैशाली में, और यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्राउड हम दिखाना चाहेंगे। आज यहां वैशाली में अमित शाह जी आ रहे हैं। भ्रम जो फैला रही है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? सीए को लेकर के जो अपोजिशन भ्रम फैला रही है, ये निहायत ही गंदा काम कर रही है। देश की स्थिति, देश की जो जरूरत है, देश के जनता का जो मांग है, वह कानून लागू हुआ है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। जो लोग आज़ादी की बातें कर रहे हैं, आज़ादी मांग रहे हैं, उसको बीजेपी कैसे आज़ाद करवाए? अरे भैया, 1947 में देश आज़ाद हो चुका है, किस बात की आज़ादी चाहिए? अगर उनको आज़ादी चाहिए तो स्वतः आज़ादी ले लें, सल्फास की गोली खा लें, वो उनको आज़ादी मिल जाएगी। किस बात की आज़ादी चाहिए? ये स्वतंत्र भारत देश आज़ाद हुए, इसको 1947 में आज़ाद हुआ था, इसको अब किस बात की आज़ादी चाहिए? और हमारा भारतीय जनता पार्टी तो देश में जो गंभीर मुद्दे थे देश के, उसको इन्होंने पूरा किया है, और जो जनता के बीच में हमने वादा किया था उसको पूरा किया। जिस जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उस जनता को आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जनता दिग्भ्रमित हो रही है। अगर जनता दिग्भ्रमित होती तो लाखों की तादाद में जो हमारे गृह मंत्री को सुनने आज आई, आप देख लीजिए अपनी आंखों से, करीब यहाँ 5 लाख जनता है और ये सुनने आई है। अगर दिग्भ्रमित होती तो ये गरीब गुरबा जनता आती सुनने के लिए? नहीं आती। जनता खुश है सीए कानून से, एनआरसी से, सबसे जनता खुश है। दिग्भ्रमित करने वाले सब लोग फटेहाल हो जाएंगे और सड़क पे आ जाएंगे। ये मिशन 2020 का आगाज है। Garbage storage dustbin, park benches, fokker, water coolers and water purifiers for hospitals, railway stations and public places. If you want to buy these products, contact Mr. Vivek Kutt, telephone number 9511172723 and 84232261150.